परवर्ती खबर को ऑपरेशन क्लीन परे पुणी थरे अशांत गंजाम जिला खोलाखोली पुलिस को चैलेंज देउछंती अपराधी ब्रह्मपुर सहर रे भी अपराधी को राज मासक मध्य रे गंजाम और ब्रह्मपुर पुलिस जिला रे गड़ी छि 6टी मुंड जिला रे एभली परिस्थिति को नै भयभीत साधारण लोके 2019 एप्रिल मास 20 तारीख गोपालपुर थाना बड़गुमुला रे बोमा माड़ सुशांत साहू को हत्या करी दुर्बृत्त हेले फेरार मे 11 2019 खलिकोट थाना लक्ष्मीनारायणपुर कादू जंगल रे रक्त जुड़ुबुड़ु अवस्था रे मिलिला गोविंद नगर रो लक्ष्मी साहू को मृतदेह मे 15 2019 खैरो गाँव रे गोष्ठी संघर्ष को नहीं नाबालक राजा प्रधान को हत्या मे 16 2019 कांजीबारी साहि रे टुटु हाथी नामक युवक को मरणांतक आक्रमण से ही दिन ही खलिकोट थाना नारायणी पेट्रोल पंप निकटने गुली माड़े भिकारी तोराई नामक युवक मृत्यु मे 19 2019 अलाड़ी गाँवर दीनबंधु स्वाई नामक युवक को हत्या गत मासक भितर यह हो गंजाम जिले में घटी केतेक बड़ अपराध तालिका आउ यह बाहर अन्य अनेक अपराध मध्य रही आउ गंजाम पुणी थरे पलटि अपराधी चरा भूई जिले में ऑपरेशन क्लीन क्राइम चली किंतु अपराधी एसबु कांड घटाई पुलिस को देउछंती सीधा चैलेंज अत्यंत शांतिप्रिय गंजाम पुणी अशांत वातावरण सृष्टि असामाजिक तत्व आउे पुणी बढ़ी चलें पुलिस निश्चय पदकेप नवा उचित कहीं पुलिस वर्तमान जो परिस्थिति अच्छी से मैंने कौन कर ड्यूटी किसी जमापड़ना कहीं अति कम दिन भितर छोटी हत्याकांड मान पुलिस पदकेप जो मैंने प्रकृत अपराधी से मानक धरतु से मानने खोजी बाहर करूँ से मैंने विभिन्न जगार जो अपराध करने निजर काय विस्तार कर अंकुश व्यवहार करूँ करी से सठिक भाव नियंत्रण करने व्यवस्था करूँ जहाँफल जनसाधारण सुरक्षित रहे उभय गंजाम और ब्रह्मपुर पुलिस जिले में होता किसी अपराधे मात्र किसी जन को गिरफ्त कर पुलिस एवं भी अनेक खुलम खुला बुलुंट पुलिस कही अपराधी को धरने को गढ़ा जा स्वतंत्र टीम आम देखु सब कमी प्रिकसन नबू आम बर्तमान सब आई एस को निर्देश देचु एस डी मैंने कहुई से मैंने जोटा ट्रबुल प्रोन एरिया कौटि कौटि ये डिजन अच्छी कौट कौटि दुश्मनी अच्छी ग्रुपिजिमी अच्छी से लिस्ट करी आम से अनुसार पुलिस पुलिस प्रोटेक्शन दबू तो अल पुलिस स्टेशन इन्स्पेक्टर इनचार्ज मान एस डी पी मान सेंसिटाइज कराई समस्ते एरिया उपरे फोकस करमती शांति मेन्टेन ही रही है काउंटिंग में स्पेशल अरेंजमेंट हो काउंटिंग पूर्व काउंटिंग पर कौन से प्रभाव काले पड़ो से सतर्क दृष्टि रखाई आवश्यक प्रिवेंटिव मेजर निया गत एक मास मध्य उभय गंजाम और ब्रह्मपुर पुलिस जिले में 6टी हत्याकांड घटी बेले बड़बजार थाना अधीन होता आक्रमण घटन पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर एबे अशांत हो पड़ी गंजाम जिला कारण गत एक मास मध्य घटी जा गंजाम जिले में 6-6 हत्याकांड तेब आगामी साधारण निर्वाचन भोट गणति बेले किभली शांति श्रृंखलार यह शेष हे ताकू नहीं एबे गंजाम पुलिस पर एक बड़ चैलेंज गंजाम जिला छत्रपुर कैमेरामैन प्रदीप्त परीक्षा सहित कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया ओयूटी प्रवेशिका परीक्षा रे नकली परीक्षार्थी परीक्षार्थी एक पांच जड़िया क्या को गिरफ्त कर कमिश्नरेट पुलिस राकेटर लंबी ओडिशारु झारखंड बिहार और राजस्थान को सबुठ बड़ कथा है जड़े परीक्षार्थी दलाल का माध्यम रे डील होता 5 लाख टंका अमिय भूषण घर बिहार सरण जिले अमिय जड़े इंजीनियरिंग छात्र नकली परीक्षार्थी राकेटर रिंगमास्टर आदर्श चौधरी घर राजस्थान सीकर जिले में बायोलोजी छात्र नीट क्वालिफाई परे एबे एम्स प्रवेशिका परीक्षा दे था अमित कुमार सिंह घर झारखंड धानबाद रे भुवनेश्वर एक घरोई कॉलेज कर्मचारी रंजित बेउरा घर गंजाम जगन्नाथ प्रसाद रे भुवनेश्वर एक घरोई कॉलेज कर्मचारी गिरफ्त ही 4 युवक नकली परीक्षार्थी रैकेटर जड़े जड़े सदस्य ओयूटी प्रवेशिका परीक्षा चली गिरफ्त कर पुलिस
जो परीक्षार्थी थे बदल जन इम्पर्सनेट करके परीक्षा दूसरे सेंटर सुपरवाइजर कंप्लेंट केस हो बरगढ़ थाना और खंडगिरी थाना टोटल पांच जन लोक अरेस्ट होती जन जुवेनाइल सर्ट जम्प को पठा जाइए एवं जहाँ जनापड़ी इमाने गोटे टीम ही एवं गोटे गैंग ऑपरेट करता जनापड़ी। नकली परीक्षार्थी होता टंका डील राकेट्र मास्टरमाइंड अमिय दिल्ली में रही विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा पर नकली प्रार्थी जोगाड़ कर प्रार्थी जोगाड़ पर से सीधा सड़ख अमित और रंजित को जोगाजोग कर प्रार्थी पिछा पांच लक्ष टा डिल पांच लक्ष नकली परीक्षार्थी को मिलूला एक लक्ष पचास हजार टंका बाकी टंका चारिजण भितर होता भाग बंटा मार्केटिंग रे चिंतुल तंगु हां केतो पिसा कांटेक्ट हेतला कांटेक्ट हेतला माने दबा पेंग 2 लाख टका काउ दिलो तंगु जे एग्जाम दबो तमो केते पाइथन हम पाइथन से 2 लाख टका पाइथन मेरे को बताया गया कि मैंने नीट इस बार क्वालीफाई कर लिया लगभग अब रिजल्ट आना बाकी है उसका और एम्स का पेपर भी है अभी 25 तारीख को तो अभी मेरे फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने ऐसे बताया कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ बात है पेपर की पेपर दे के आना है तेरे को और कोई रिस्क वाला है नहीं बात और आप पेपर दे आओ रुपए मिल जाएंगे आपको। यही रैकेट रे अन्य केउ मानकर हाथ अच्छी तार खोलताड़ करुछि पुलिस। भुवनेश्वर कैमरामैन रश्मि रंजन का सह प्रवीर कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया। बात्या फोरी को अनेक दिन बीती जाइथिले भी बात्या विपन्न को समस्यार समाधान होई पारि नै। खोर्धा जटड़ी ब्लक कंतिया रथीपुर रे लोके माने नाना असुविधार सम्मुखीन होउथिबा अभिजोग होइछि। विपन्न को पाखरे एचआई पहुंची पारिनी प्रशासन। बात्या फोनी को अधा मासरो अधिक समय बीती एजावत ना स्वाभाविक होइछि विद्युत सेवा ना प्रशासन सहायता बात्या विपन्न को पाखरे पहुंची। आम आसी पहुंचु खोर्धा जिला जटड़ी ब्लक रथीपुर गाँव में जोटी बात्या विपन्न मैंने अच्छा से मानकर दुख से कहे कौन रही आपर समस्या प्रशासन के बर्तमान कौन समस्या रही बात्या हबार 17 दिन हेले सुधा एटि रथीपुर ग्राम रे आज पर्यंत लाइन रो कोनोसी सुविधा नाई लोक पानी रे छटपट होई मरसंती काली एते टेम्परेचर होइथला जे आम गाँव में 5-6 जन को सनस्ट्रोक होइजी तथापि प्रशासन आखि खोलुनी कि से देखि पारुनी जे रथीपुर गोटे जटनी ब्लक रा गाँ हेठी लोक मैंने कौन असुविधा अच्छा किए भी दिने सर्वे करा को ठीक रे आसुना गोटे दिन किए क्या जबरदस्ती भिड़ी के आईले सी आसी गोटे फाड़ा देखी दौर पड़ा कौन गाँ सर्वे होगा गाँव रोसी सर्वे भी ठीक भाव कर गरम को आमर ये पानी रो असुविधा लाइन रो असुविधा आम बहुत जन बुढ़ी लोक मैंने बहुत जन पंखा करके आम रखुचु उपास मासरे आम जो हैरान होमर खियापिया भी ठीक नहीं आमर पानी रो भी सुविधा नहीं आमर लाइन बत्ती रो भी सुविधा नहीं आम केमती चलू हाँ जरी भी मिलबार थला जरी भी मिललानी 500-500 टंका देकि आमको ठकई कि रखिसंती फुनी जो पानी हैला जो चाड़ घर सब थला कांथ फांथ सब भांगी गलानी आज्ञा ये गवर्नमेंट एपर्त आम किसी सहायता देनी कौ आधार रे 500 टंका दे गवर्नमेंट माने पॉलीथिन सेटा आपण प्रशासन को मु अनुरोध करूँ माननीय सब कलेक्टर माननीय तहसीलदार माननीय कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री माननीय SRC कौटी पॉलीथिन 500 टंका मिलूँ आम को आड्रेस देदे आम से 500 टंका देकि पॉलीथिन कि आम घर घोड़ेबू कौन सब असुविधा होता असुविधा तो सही आज्ञा घर चाड़ नहीं ना आजबेस्ट नहीं खरारे आम शौचु 500 टंका दे पलिथिन पलिथिन 500 टंका कौट मिल आज्ञा गोटे चटे मिलून सोया लगे 500 टंका जी सरकारी सहायता मिली से जथेष नुह अभोग कौन कह बर्तमान रमजान मस चली अंपटे गरम सेपटे विद्युत नहीं कमी बात्या विपन्न मैंने आपन केमी जीवन जापन मुझ फास्ट न्यूज 18 को समस्त कर्ता मान को अभिनंदन जनाऊँ नमस्कार करुच्ची आज को प्राय 17 दिन हो फनी रे कि आम मैं यपर्यंत कि मैं प्रशासन देखा ना आम रथीपुर गाँव पोत एत अन्याये अबड़ा हो कह आम कि पार्न कितु मैंने एपर्तंत विद्युत संजोग ना आ जो खरा जो ताती है तीन चार दिन बढ़े आउ भी 23 तारीख बढ़ आम भी शुणुचु आम पाखे तो किसी ढाकिया कि सरकार जहाँ 5 टंका से 5 टकर पलिथिन तो होज हाथ में खंडिया फंडिया जो पलिथिन पड़ता निजे आम घर भितर रही से जो आम जो ताती है जो आम अवहेड़ा सृष्टि करुच्छू अनुभव करुच्छू आम जाने आज किसी गृहिणी अच्छा पचार कौन कह के असुविधा बहुत असुविधा हो गाई गोर छेड़ी समस्त मरीगले आमर भी असुविधा होद शोपार खरारे रही पार्न अभी समास आउ के शबू
ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରମ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥିପୁର ଗାଁକୁ, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେଡ଼କୋ ତା'ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ ରଥିପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଜଟଣୀ ରଥିପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ। ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କରି ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା 99 ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ MKCG ମେଡିକାଲର ରିଜିଓନାଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରିଜିଓନାଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କରିବା, ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 9:45 କିଏ ତାକୁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 9 ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବୋମା। ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ 2 ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ମାଲିକ ସକାଳୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟିମ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ବୋମା 2ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଦିନ ହେଲା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପଛପଟେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇ ଏହି ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି DCP କହିଛନ୍ତି। ପଛପଟୁ 2ଟି ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ଗୋଟେ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖାଯାଇକି ଗୋଟେ ବୁଦାରେ କନ୍ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବୋମା ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଡକା ହୋଇକି ସେଟାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ତଥା ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ଆସିଛି ସେଠିକି। ଏକ ହାୱିଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ 2 ଲୁଟେରା ହେଲେ ଟେସିନ୍ ଖାନ ଏବଂ ଶେଖ୍ ସହିଦ। ଟେସିନ୍ର ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି କାର, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ କାର ଚାଳକ। ହାଇୱେ ରବରି କରନ୍ତି ଏବଂ 4-ହ୍ୱିଲର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାने ଛଡ଼େଇକିରି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଟୋୟୋଟା କରୋଲା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟିମେଟ୍ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବ ହକି ଫିଫର। ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। June 6 ଆରମ୍ଭ ହେବ FIH ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜ ଫାଇନାଲ୍ସ। ଭାଗ ନେବେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସମେତ 8ଟି ଟିମ୍। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏବେ FIH ସିରିଜ ଫାଇନାଲ୍ସ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସମେତ ଜାପାନ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପୋଲାଣ୍ଡ, ମେକ୍ସିକୋ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରମୁଖ 8ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେବେ। ଏନେଇ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଦଳ 2020 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ନୂଆ କୋଚ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ। Every tournament I always believe is really important but this one is especially because it is involved in the Olympic qualification and world ranking points which are really important as well. So it is planning as normal to be honest. We always try and do our best. Sabhi ko chahte Olympic qualify kare to hamara bhi yahi task hai ki haan ki hame har team ke sath acha khelna ho. Nahi pressure nahi hai, bas yahi ki hum jab bhi khelte hain enjoy karte hain, khas kar Bhubaneswar mein to hamesha enjoy karte hain। जब भी मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हाँ भुवनेश्वर जब भी खेलते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है क्योंकि जो यहाँ का प्यार मिलता है, लोगों का प्यार है, वो ज्यादा ही अच्छा है। June 6 आरंभ हेबो FIS सीरीज। यह पूर्व कलिंग स्टेडियम में चलो भारतीय टीम प्रशिक्षण शिविर।
शिविरर ही श्रेष्ठ खेलाड़ी नहीं सीरीज पाई 18 जनिया भारतीय दल घोषणा कर शिविर में स्थान पाई 32 जन खेलाड़ी मध्य अच्छा 5 ओडिया वीरेन्द्र लाक्रा अमित रोहिदास शिलानंद लाक्रा नीलम संजीव खेस आशीष टपनो वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहिदास लगातार भारतीय दल में भल फर्म रही अन्य तीन युव खेला समस्त नजर देखो प्रिलिमिनरी जो ऑस्ट्रेलिया टूर आगु मैंने कैंप्रे थे कैंप्रे भल परफॉर्मेंस करहाँ सीनियर कोच मैंने जहाँ दूसरे किंतु केतरे एक्सपीरियंस कमी अच्छी एट्राकर अच्छा से भितर मुझे भावी भल परफॉर्मेंस जब दिए कोचिंग कैंप्रे निश्चय टीम आसवर चान्स अच्छे जून 6-15 तारीख जाए चलो एफआईएस सीरीज फाइनाल एने आरंभ हो ऑनलाइन टिकेट बिक्री भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहू को सह शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया समय होइछ बुलेटिन को एटे रखिबा किंतु ता पूर्व कहि रखुछु एनि कि आपण न्यूज 18 देखिबा पई लॉगिन करंतु news18odia.com आमो फेसबुक पेज /news18odia ट्विटर हैंडल @news18odia एवं यूट्यूब चैनल /news18odia समय होइछ न्यूज 18 महानगर को एटे रखुछु नमस्कार।